लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू होने के साथ ही प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में कामकाज शुरू हो चुका है और इसी के तहत सोमवार को जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, विद्युत भवन, आबकारी और आवासन मंडल कार्यालय में सभी कर्मचारी अपने रोटेशन प्रक्रिया के हिसाब से पहुंचे। हालांकि विभागों की ओर से सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए सभी कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। सीएसडीबी गुप्ता ने यह कहा कि अब से एक तिहाई कर्मचारी सचिवालय आएंगे, जिसके लिए सभी विभागों के सचिव एक तिहाई कर्मचारियों की सूची जारी करेंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने लिया सरकारी कार्यालयों का जायजा। लॉकडाउन पार्ट थ्री लागू हो चुका है। लॉकडाउन पार्ट थ्री के लागू होने के साथ ही प्रदेश की जनता को कुछ राहतें, रियायतें इसके माध्यम से दी गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आज से राजधानी जयपुर में प्रदेश भर में जो सरकारी कार्यालय हैं वो शुरू हो गए हैं। अभी हम खड़े हैं जयपुर में वित्त भवन के बाहर, जहां पर जो आज से आबकारी विभाग ने शराब की दुकानें भी खोलना शुरू की हैं। साथ ही आबकारी विभाग के जो कार्यालय हैं वहां पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो पहुंचे हैं। हालांकि इन सरकारी विभागों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जाए, इसके लिए आदेश निकाले गए हैं। साथ ही कर्मचारियों को भी एक रोटेशन प्रक्रिया के हिसाब से बुलाया जा रहा है। आवासन मंडल की बात करें या विद्युत विभाग के कर्मचारियों की बात करें, हालांकि विद्युत विभाग पहले से ही इमरजेंसी सेवाओं में था, तो ऐसे में उनके कर्मचारी यहां पर आ रहे थे। लेकिन अब जिन कार्यालयों के, आज आवासन मंडल की बात करें या वित्त विभाग के जो आबकारी विभाग के कर्मचारी हैं या जेडीए के कर्मचारी हैं, उनको एक तिहाई रोटेशन के हिसाब से बुलाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जा रही है। कार्यालय में प्रवेश भी अधिकारियों की पूरी स्क्रीनिंग के बाद ही दिया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन की पूरी पालना विभाग की ओर से की जा रही है। तमाम जो विभाग के कर्मचारी हैं, विभाग के कर्मचारी जो आज कार्यालय पहुँचे हैं, उनको पूरी सुरक्षा के साथ ही अंदर प्रवेश दिया गया है। पूरी स्क्रीनिंग की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की गई है, सैनिटाइजर का उपयोग या मास्क भी पूरी तरह से अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। सरकार जिस तरह के प्रयास कर रही है कोरोना महामारी से कैसे बचा जाए, उसके लिए तमाम जो विभागों को आज से हालांकि खोलने की रियायत दी गई है, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना भी विभागों की ओर से की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV जयपुर।